संजय दत्त की 1988 की फिल्म का रीमेक थी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म। आमिर खान इस वक्त बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और कामयाब सुपरस्टार हैं। आमिर ने साल दर साल शानदार फिल्में करके बॉक्स ऑफिस पर और जनता के मन में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। वैसे तो आमिर ने कई यादगार फिल्में की हैं, मगर इन फिल्मों में खास जगह रखती है गुलाम। 19 जून को आमिर के करियर की इस माइलस्टोन फिल्म ने 20 साल का सफर पूरा कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि गुलाम का संजय दत्त से भी गहरा कनेक्शन है, जिसका खुलासा स्टोरी में आगे किया गया है। गुलाम को विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया था और यह फिल्म 19 जून 1998 को रिलीज हुई थी। आमिर ने फिल्म में एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉक्सर का किरदार निभाया था, जिसे मुभवनिया भाषा में टपोरी कहा जाता है। रानी मुखर्जी पहली बार इस फिल्म में आमिर की लीडिंग लेडी बनी। रजत कपूर आमिर के बड़े भाई के किरदार में थे। शरत सक्सेना ने इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाया था, जो पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन होता है और ट्रैवल एजेंसी का धंधा करता है, मगर उसका असली काम जबरन वसूली का होता है। गुलाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आती क्या खंडाला। गुलाम 1998 के सुपरहिट फिल्मों में शामिल है। फिल्म के कुछ दृश्य और गाने आज भी यादों में ताजा हैं। खासकर आती क्या खंडाला गीत उस दौर में आइकॉनिक सॉन्ग बन गया था। इस गाने को अलका याग्निक के साथ आमिर खान ने ही आवाज दी थी। क्लबिक सिंगिंग में आमिर की यह पहली कोशिश थी, जिसे सुनने वालों ने भी खूब पसंद किया। 10 से 10 की दौड़। गुलाम के यादगार दृश्यों में 10 से 10 की दौड़ वाला दृश्य शामिल है। आपको याद होगा, रोमांच से भरपूर इस दृश्य में आमिर खान और दीपक तिजोरी के बीच रेलवे ट्रैक पर खतरनाक दौड़ होती है, जिसमें हारने का मतलब होता है मौत। इस दृश्य में आमिर ट्रेन की विपरीत दिशा में ट्रैक पर दौड़ते हैं। आमिर और ट्रेन के बीच महज 1.3 सेकंड का फासला होता है। आमिर ने इस स्टंट को खुद किया था। इस दृश्य को विक्रम भट्ट ने बेहद शानदार तरीके से फिल्माया था, ताकि दर्शकों पर गहरा असर हो। यह दृश्य फिल्म की कहानी में एक अहम मोड़ भी लाता है। इस दृश्य को सीन ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। रानी की आवाज। गदर का मासूम जीते याद है ना, अब जीनियस बनकर लौट रहा है बड़े पर्दे पर। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि रानी मुखर्जी ने भले ही इस फिल्म में नायिका का किरदार निभाया था, मगर आवाज उनकी नहीं थी। रानी को डबिंग आर्टिस्ट मोना शेट्टी ने आवाज दी थी। इस बारे में रानी को सफाई दी गई थी कि उनकी असली आवाज किरदार को सूट नहीं करती थी। हालांकि बाद में रानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि आमिर के कहने पर उनकी आवाज फिल्म में नहीं ली गई थी। कब्जा का रीमेक। राजकुमार हिरानी ने बताया, संजय की लाइफ क्यों जरूरी है मान्यता। अगर आपको यह लगता है कि आमिर खान रीमेक या सीक्वल्स में काम नहीं करते, तो गुलाम आपकी यह गलतफहमी दूर कर देगी। 1998 में आई गुलाम संजय दत्त की हिट फिल्म कब्जा का रीमेक थी, जो 1988 में रिलीज हुई थी और जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। सलमान के पिता सलीम खान ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। इस फिल्म में संजय के साथ राज बब्बर, अमृता सिंह और परेश रावल मुख्य किरदारों में शामिल थे। फादर्स डे पर संजू को मिली डैड सुनील दत्त से जादू की जपी। इत्तेफाक देखिए, अब संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू रिलीज हो रही है, जिसमें परेश उनके पिता सुनील दत्त के किरदार में हैं। वैसे कब्जा भी ओरिजिनल फिल्म नहीं है। यह 1954 की अमेरिकन क्लासिक ऑन द वॉटरफ्रंट से प्रेरित थी, जिसमें लीजेंडरी एक्टर मार्लन ब्रांडो ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बहरहाल, संजय दत्त और आमिर खान को आपने मोस्ट रिसेंटली पीके में साथ देखा होगा, जिसे राजकुमार हिरानी ने ही डायरेक्ट किया था। संजय ने इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया था।